लास्ट टाइम वी हैव डन नाइट्रोजन एंड इट्स हाइड्राइड एंड इट्स इंपॉर्टेंट हाइड्राइड दैट इज अमोनिया। ये दो टॉपिक हम कर चुके हैं, और उससे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ग्रुप 15 की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं, ग्रुप 15 की हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं, फिर नाइट्रोजन और अमोनिया ये टॉपिक हम खत्म कर चुके हैं। नेक्स्ट आज हम पढ़ेंगे फॉस्फोरस पढ़ेंगे, इसके मेनली हम इसके एलिट्रोप्स पढ़ेंगे, इसके एलिट्रोप्स पढ़ने के बाद इसका हम क्लोराइड्स करने के बाद क्लोराइड्स ऑक्साइड्स, फिर कुछ ऑक्सो एसिड्स हैं वो स्टडी करेंगे, इसके ऑक्साइड्स वगैरह भी। तो ये स्टार्ट कर रहे हैं हम एलोट्रोपी सब में पढ़ा हुआ है जूनियर क्लासेस में। एलोट्रोपी क्या होती है? एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन टू और मोर फॉर्म्स विच हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड समटाइम्स ऑल्सो केमिकल प्रॉपर्टीज, कई बार केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती हैं। जैसे हमने जूनियर क्लासेज में जो पढ़ा हुआ मेनली हमने कार्बन के ग्रेफाइट और डायमंड ये दो एलोट्रोप्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो उनकी ज़्यादातर केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है, कार्बन को भी ऑक्सीजन में बंद करेंगे या फिर क्या कहते हैं डायमंड को भी ऑक्सीजन में बंद करेंगे, कार्बन ग्रेफाइट को या डायमंड को ऑक्सीजन में बंद करेंगे तो CO2 मिलता है। तो केमिकल प्रॉपर्टी ज़्यादातर सेम रहती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट की बात करते हैं इसमें, एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन टू और मोर फॉर्म्स विच हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड समटाइम्स डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑल्सो। तो एलोट्रोपी ये ग्रुप हमारे पास जो है इसके अंदर हमारे पास पहले है नाइट्रोजन, उसके बाद फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मिथ, ये है हमारे पास, जिसमें से हमारे पास ये तीन तो हैं, तीन ये दो येलो और ग्रे फॉर्म में शो करते हैं एलोट्रोपी, येलो और ग्रे फॉर्म में एलोट्रोपी शो करते हैं दोनों। तो इसकी डिटेल हमें नहीं करनी है। बिस्मिथ इसमें से ऐसा है जो डज नॉट शो एलोट्रोपी, ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बनता है कि कौन सा इसमें से एलोट्रोपी शो नहीं करेगा, तो बिस्मिथ ऐसा है जो एलोट्रोपी शो नहीं करेगा। और इसमें नाइट्रोजन जो है इसके भी NCERT में तो ये लिखा कि एलोट्रोपी शो नहीं करेगा ये, अदरवाइज इसके सॉलिड फॉर्म में नाइट्रोजन के सॉलिड फॉर्म में दो एलोट्रोप्स होते हैं अल्फा एंड बीटा नाइट्रोजन, तो चाहे तो कर लेंगे नहीं तो फिर NCERT में जो लिखा है उसी को मानना कि नाइट्रोजन भी एलोट्रोपी शो नहीं करता है। फॉस्फोरस के एलोट्रोप्स हमें पढ़ने हैं मेनली, फॉस्फोरस के वाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस एंड ब्लैक फॉस्फोरस, ये हमें करना है मेन, व्हाइट रेड एंड ब्लैक फॉस्फोरस, इसी के क्वेश्चन आने हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ध्यान से सुनेंगे बिल्कुल। तो फॉस्फोरस के एलोट्रोप्स हम पढ़ेंगे व्हाइट रेड एंड ब्लैक फॉस्फोरस ध्यान देंगे इसमें। तो व्हाइट रेड एंड ब्लैक फॉस्फोरस, तो पहले अगर मैं ले लेता हूँ सपोज इसमें व्हाइट फॉस्फोरस ये P4 मॉलिकुलर फॉर्म में होता है, ये किस फॉर्म में? मॉलिकुलर फॉर्म में व्हाइट फॉस्फोरस ये एग्जिस्ट करता है ऐसे इस तरीके से, ये इस तरीके से एग्जिस्ट करता है, यहाँ एंगल होता है 60 डिग्री का, 60 डिग्री एंगल ये P के साथ बॉन्ड बनेगा, इधर 60 डिग्री एंगल होता है, इसके अंदर एंगल स्ट्रेन होता है, क्लियर। इसके अंदर क्या होता है? एंगल स्ट्रेन की वजह से ये एंगल जो है इसके अंदर कम होता है काफ़ी ज़्यादा, ये एंगल स्ट्रेन है लेकिन इसका ज्योमेट्री जो है उसमें ये एंगल बनता है, तो ये एंगल स्ट्रेन होने की वजह से वाइट फॉस्फोरस जो है इट इज़ मोस्ट रिएक्टिव, एंगल स्ट्रेन है तो बॉन्ड जल्दी टूटते हैं इसके, हाईली इनफ्लेमेबल होता है, रिएक्ट कर जाता है ऑक्सीजन से, इमीडिएटली रिएक्ट करता है ये, ऑक्सीजन से इमीडिएटली रिएक्ट करता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है, और तो लीस्ट स्टेबल मोस्ट रिएक्टिव है, लीस्ट स्टेबल मोस्ट रिएक्टिव ऑफ ऑल द एलोट्रोप्स, मोस्ट रिएक्टिव क्यों इसका क्वेश्चन आता है, तो इसका क्वेश्चन आंसर मैं बता चुका हूँ इसका, बिकॉज ऑफ, ये याद रखना जरूर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई वाइट फॉस्फोरस एमंग ऑल एलोट्रोप्स इज मोस्ट रिएक्टिव, बिकॉज ऑफ एंगल स्ट्रेन इन इट, ये याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका अभी तक, इट इज इन इट वाइट फॉस्फोरस इज मोस्ट रिएक्टिव लीस्ट स्टेबल, थर्मोडाइनमिकली या काइनेटिकली दोनों में लीस्ट स्टेबल है, थर्मोडाइनमिकली काइनेटिकली दोनों में ये क्या है, लीस्ट मोस्ट रिएक्टिव एंड लीस्ट स्टेबल, तो ये इसके अंदर ध्यान में, वाइट फॉस्फोरस इज मोस्ट रिएक्टिव, तो बिकॉज ऑफ एंगल स्ट्रेन, या ना एंगल स्ट्रेन की वजह से, इसके अंदर स्ट्रेन है, स्ट्रेन मॉलिक्यूल है इसलिए बहुत रिएक्टिव होता है इसका, ये व्हाइट वैक्सी सॉलिड भी बोलते हैं इसको, व्हाइट
वैक्सी सॉलिड, और वाइट फॉस्फोरस बोल रहे हैं, जनरली ये वाइट की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये हमारा येलो येलोइश होता है, येलो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, येलो फॉस्फोरस भी कहते हैं इसको, येलो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ये, ध्यान रखना वाइट है, येलोइश फॉर्म में होता है थोड़ा, वाइट वैक्सी सॉलिड है, गार्लिक ऑर्डर है इसका, गार्लिक ऑर्डर, क्लियर, इसका गार्लिक ऑर्डर है, वाइट वैक्सी सॉलिड गार्लिक ऑर्डर होता है इसका, और ये ध्यान रखनी सारी बातें इसकी, ऑब्जेक्टिव में किसी भी तरह से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट, इट इज मोस्ट रिएक्टिव, ये क्या मोस्ट रिएक्टिव क्यों है, एंगलस्टीन की वजह से, उसके अलावा इसके अंदर ये होता है हमारा पॉइजनस नेचर का, हाईली पॉइजनस, तीनों फॉस्फोरस में से सबसे ज्यादा पॉइजनस ही होता है, हाईली पॉइजनस, जो लोग इसके साथ काम करते हैं दे डेवलप ए डिसीज कॉल्ड एज फॉसीजॉ, फॉस्फोरस चला जाता है एक्सेस में, तो एक्चुअली में फॉस्फोरस जब जाएगा बॉडी के अंदर तो वो क्या करेगा, बॉडी की ऑक्सीजन जो है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, बॉडी की ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसकी वजह से सफोकेशन होगा बॉडी के अंदर, और कई बार लोगों की डेथ भी हो जाती है इस चक्कर में, सही ना। तो ये ध्यान रखना वाइट फॉस्फोरस हाईली पॉइजनस नेचर का होता है। दूसरी फोर्थ प्रॉपर्टी इसकी, इट हैज़ ए यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ ग्लोइंग इन द डार्क, यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ ग्लोइंग इन द डार्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछते पेपर की अकेले ऐसी ही प्रॉपर्टी है, यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ ग्लोइंग इन द डार्क, ग्लोइंग इन द डार्क, जिसे हम बोलते हैं फॉस्फोरोसेंस, फॉस्फोरोसेंस, या इसके लिए स्पेशली बोलते हैं केमी लुमिनी सेंस, तो ये ध्यान रखना है, और फॉस्फोरोसेंस से ही नाम पड़ा है वाइट फॉस्फोरस, फॉस्फोरोसेंस से ही नाम क्या पड़ा है वाइट फॉस्फोरस, तो ये याद रखना, दिस यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ वाइट फॉस्फोरस, यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ वाइट फॉस्फोरस ग्लोइंग इन द डार्क इज कॉल्ड एज केमिलुमिनेसेंस और फॉस्फोरोसेंस, जिसकी वजह से इसका नाम क्या पड़ा वाइट फॉस्फोरस, जिसकी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया वाइट फॉस्फोरस, तो ये सारी बातें ध्यान रखनी है इसके अंदर। नेक्स्ट, अब इसके अंदर जैसे इट इज वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होगा, नॉन पोलर है बिल्कुल, इनसॉल्युबल इन वाटर, इन वाटर, बट सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक CH2 एंड बेंजीन, नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल है, बट सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक CH2 एंड बेंजीन, क्योंकि ये नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर है लाइक डिजॉल्व लाइक सबको पता है, तो इसलिए उसके अंदर सॉल्युबल हो जाएगा। तो ये बातें वाइट फॉस्फोरस की जो ध्यान रखनी है, नेक्स्ट नोट करेंगे आगे इससे। तो इसके अलावा तो और कुछ है इसमें, स्ट्रक्चर ये मॉलिकुलर सॉलिड भी कह सकते हैं इसको, मॉलिकुलर सॉलिड, मॉलिकुलर सॉलिड होता है, क्लियर, इट इज ए मॉलिकुलर सॉलिड। जैसे अगर मैं रेड फॉस्फोरस की बात करूं, रेड फॉस्फोरस कैसे बनेगा, रेड फॉस्फोरस उसके बारे में भी नोट कर लेंगे एक बार, डेंसिटी इसकी लीस्ट होगी, मॉलिकुलर फॉर्म में है तो मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे, एक P4 का मॉलिक्यूल यहां पे है तो दूसरा P4 का मॉलिक्यूल यहां पे होगा, तो डेंसिटी लीस्ट है, एंगलस्टीन सबसे ज्यादा डेंसिटी लीस्ट, लीस्ट डेंसिटी है इसकी, और रेड फॉस्फोरस होगा तो उसमें स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, इसका बस ये बॉन्ड तोड़ देंगे हम रेड फॉस्फोरस के लिए, ये बॉन्ड टूट जाएगा और इसी बॉन्ड को आगे कंटिन्यू कर देंगे, तो नोट करेंगे एक बार, रेड फॉस्फोरस भी, वाइट फॉस्फोरस मोस्ट रिएक्टिव है, ये अल्कली के साथ रिएक्ट करता है, ध्यान रखना अल्कली के साथ रिएक्ट करके वाइट फॉस्फोरस की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, व्हाट हैपन, ये क्वेश्चन नोट कर लेंगे, पेपर में जरूर पूछते हैं क्वेश्चन ये वाला, व्हाट हैपन्स व्हेन वाइट फॉस्फोरस रिएक्ट्स विद अल्कली, विद अल्कली इन इनर्ट CO2, ये पेपर में जरूर आता क्वेश्चन, फर्स्ट टाइम पेपर होता था, एक क्वेश्चन को जरूर पूछे ध्यान रखना चीज का, व्हाट हैपेंस व्हेन वाइट फॉस्फोरस रिएक्ट्स विद अल्कली इन इनर्ट CO2, P4 है वाइट फॉर्म में, अगर इसको अल्कली KOH या NaOH के साथ रिएक्ट कराएंगे, KOH या NaOH से रिएक्ट कराएंगे H2O, तो ये बनाएगा हमारा NaH2PO2, ये ध्यान रखना NaH2PO2 प्लस TH3 फॉस्फिन गैस बनेगी, रॉटन फिश लाइक स्मेल होती है इसकी, ये याद रखना रॉटन फिश लाइक स्मेल, फॉस्फिन गैस, रॉटन फिश, और ये जो है NaH2PO2 सोडियम हाई, नाम जरूर याद रखने हैं, सोडियम हाइपो फॉस्फाइट, सोडियम हाइपो फॉस्फाइट एंड दिस इज फॉस्फिन गैस,
फॉस्फिन, इसकी भी डिटेल हमें पढ़नी है बाद में करेंगे इसको, फॉस्फिन गैस की डिटेल। तो ये अपना वाइट फॉस्फोरस रिएक्ट विद अल्कली इनर्ट सी ओ टू में, इनर्ट सी ओ टू क्यों लिया, ताकि ऑक्सीजन ना सके, ऑक्सीजन आएगी तो वाइट फॉस्फोरस इमीडिएटली उससे रिएक्ट कर जाएगा, इसलिए हम लेते हैं इसको। और रेड फॉस्फोरस होता है, ये तो वाइट था, जहाँ वाइट की ये प्रॉपर्टी है, रेड फॉस्फोरस होता अगर अगर याद रखते तो याद कर लेंगे, रेड फॉस्फोरस है तो ये बनाता है H4P2O6, ये आगे जाके पढ़ेंगे, H4P2 हाइपोफॉस्फोरिक एसिड नाम है इसका, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड एक्चुअल में H4P2O6 नहीं बनेगा, क्योंकि NaOH का मतलब Na है तो Na4P2O6 बनता है इसमें, वो लिख देते हैं हम H+ आने के बाद, इसमें जब H+ आएगा तो बनेगा H4P2O6 हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, क्या नाम है इसका, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड रेड फॉस्फोरस के साथ। ये रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में जरूर आती है ये रिएक्शन, इसको जरूर करना। और ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, यहाँ पे फॉस्फोरस की स्टेट 0 है, इधर फॉस्फोरस की स्टेट +1 आएगी, सॉल्व कर लेंगे इसको, इधर फॉस्फोरस की स्टेट क्या आएगी, -3। तो इसलिए ये यहाँ पे फॉस्फोरस की स्टेट बढ़ भी रही है और यहाँ से यहाँ पे फॉस्फोरस की स्टेट कम भी हो रही है, देयरफॉर इट इज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। ज़्यादा हीट नहीं करना है इसके अंदर, नहीं तो ये भी आगे जाके हायर ऑक्साइड्स वगैरह बना देगा, हायर स्टेट वाली ऑक्साइड अगर इसको हीट कर देंगे तो ये इसके अंदर ध्यान रखना, ये वाइट फॉस्फोरस की प्रॉपर्टीज थी, इसकी सारी पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है यहाँ पे, और इसका मैकेनिज्म भी होता कि किस तरह से रिएक्ट करता है ये। नेक्स्ट वो करेंगे जैसे क्वेश्चन आता है इसके अंदर, विच इज ट्रू अबाउट वाइट फॉस्फोरस, इसके लिए क्या ट्रू है, तो आया नंबर ऑफ लोन पेयर्स इन इट इज इक्वल टू 4, परसेंटेज पी कैरेक्टर is equal to 75, then total rings is equal to 4, next आ गया total pp bonds is equal to 6, suppose ये क्वेश्चन आ गया तो जाना इसमें से कौन सा करेक्ट है वाइट फॉस्फोरस के लिए, को ट्राई करेंगे क्वेश्चन, डिटेल मैंने दे दी सारी, ये खुद ट्राई करना क्वेश्चन इसको। तो वाइट फॉस्फोरस का एक थोड़ा सा डिटेल लिया, प्रिपरेशन नहीं ली है इसकी, प्रिपरेशन भी लेंगे इसके भी, तो अभी ये नोट करेंगे रेड फॉस्फोरस के बारे में, रेड फॉस्फोरस वाइट फॉस्फोरस को हीट करके बनता है, वाइट फॉस्फोरस को जब हम हीट कर देंगे तो ये रेड फॉस्फोरस बनता है इस तरीके से, बस बीच एंगल स्ट्रेन थोड़ा रिड्यूस हो जाता है इसके अंदर, बीच वाला बॉन्ड टूट जाता है, ये ऐसे कंटिन्यू रहेगा, तो चेन स्ट्रक्चर होता है, चेन लाइक स्ट्रक्चर होगा इसका, क्लियर। इट विल बी ए ब्रिटल पाउडर होता है ये क्या वो था, गार्लिक ऑर्डर था उसका, व्हाइट वैक्सी सॉलिड था, ये ब्रिटल पाउडर होता है, ब्रिटल पाउडर होता है, चेन लाइक स्ट्रक्चर। उसमें क्या था, मॉलिक्यूलर सॉलिड था, डिफरेंसेस है, ये पेपर में डिफरेंसेस पूछते हैं, व्हाइट रेड और ब्लैक फॉस्फोरस में क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस कुछ बनाएंगे, मैं यहां बोलता जा रहा हूं, वो क्या था, गार्लिक ऑर्डर था, व्हाइट वैक्सी सॉलिड था, ये क्या है, ब्रिटल पाउडर है, उसका स्ट्रक्चर था मॉलिक्यूलर सॉलिड था, वो क्या था, मॉलिक्यूलर सॉलिड, ये क्या है, चेन लाइक स्ट्रक्चर, क्लियर। उसमें एंगल स्ट्रेन ज्यादा था, इसके अंदर लेस एंगल स्ट्रेन सो लेस रिएक्टिव। और पॉइंट्स, नॉन पॉइजनस, डज नॉट ग्लो,
वो सॉल्युबल किस में था, CH2 के अंदर, इनसॉल्युबल इन वाटर, ये दोनों में इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल इन H2O एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट्स ऑल्सो। तो ये सोचना है एक बार, ये भी है तो नॉन पोलर ही, देन वाई इट इज इनसॉल्युबल इन CH2, ये ट्राई करना खुद क्वेश्चन, वाई इट इज इनसॉल्युबल इन CH2, खुद सोचना है इसको, इनसॉल्युबल इन वाटर एंड CH2, नॉन पॉइजनस, चेन लाइक स्ट्रक्चर। तो ये सारी प्रॉपर्टीज किसकी हैं, रेड फॉस्फोरस की, क्लियर, लेस डेंसिटी इसकी ज़्यादा, डेंसिटी हायर क्यों हाई होगी डेंसिटी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स तो इसमें पास आएंगे, डिफरेंट चेन्स जो होंगी उसमें वंडर फोर्सेस की, जैसे एक पी फॉर ये चेन, ये इस टाइप से चेन बन रही है, एक चेन ये बनी, दूसरी चेन ये बनी फॉस्फोरस की, तो इसमें वंडर फोर्सेस जो होंगे इस टाइप के, वंडर फोर्सेस क्या होंगे, वो बहुत हाई होंगे, वंडर फोर्सेस बहुत हाई होंगे, इसीलिए डेंसिटी क्या होगी इसकी, डेंसिटी हाई होगी, क्लियर, और मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो होगा, एक पॉइंट मिस हो गया वहाँ पे, वाइट फॉस्फोरस का लेस मेल्टिंग, वाइट फॉस्फोरस का क्या होगा, क्योंकि मॉलिकुलर सॉलिड है, दो मॉलिक्यूल अगर वाइट फॉस्फोरस के हैं तो फोर्सेस क्या होंगे, बहुत वीक होंगे, तो लेस MPBP, इसमें क्या आएगा, हाई MPBP देन वाइट फॉस्फोरस, यहाँ लिख देते हैं ताकि याद रहे, देन वाइट फॉस्फोरस। तो इस तरीके की प्रॉपर्टीज हैं, ये सब करनी है इसके अंदर, तो ये प्रॉपर्टीज इसकी रेड फॉस्फोरस की, क्लियर, रेड फॉस्फोरस। नेक्स्ट नोट करेंगे आप ब्लैक फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस वो भी हीट करके बनता है, वाइट फॉस्फोरस को ही, वाइट फॉस्फोरस को हीट करेंगे तो ब्लैक फॉस्फोरस बनता है, उसकी भी दो फॉर्म्स होती हैं वैसे तो, अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस, बीटा ब्लैक फॉस्फोरस, लेकिन हमारे जो कोर्स में है बीटा ब्लैक फॉस्फोरस है सिर्फ, तो वही स्टडी करना है हमें। तो ब्लैक फॉस्फोरस के अंदर, ब्लैक फॉस्फोरस में ये स्ट्रक्चर है इसका, इस टाइप का शीट लाइक स्ट्रक्चर, ये कंटिन्यू होगा, तो इसमें लीस्ट एंगल स्ट्रेन है ही नहीं, एक तरह से 99 डिग्री के आसपास का एंगल होता है, 99 डिग्री का एंगल है, ये कंटिन्यूड है पूरा, ये कंटिन्यूड होगा पूरा, ये कंटिन्यूड रहेगा पूरा, लीस्ट एंगल स्ट्रेन, क्लियर, इट विल बी हैविंग लीस्ट एंगल स्ट्रेन। तो ये शीट लाइक स्ट्रक्चर बनता है इसमें, कैसा बनता है, शीट लाइक स्ट्रक्चर, नेटवर्क सॉलिड होता है ये, क्लियर होता है, ये है वो था गार्लिक ऑर्डर, दूसरा ब्रिटल पाउडर था, ये इसको मेटेलिक फॉस्फोरस बोलते हैं, मेटेलिक फॉस्फोरस, क्योंकि ये नॉन मेटल, ये जो है जैसे है तो नॉन मेटल ये भी, लेकिन जब इसको सेमी कंडक्टर्स के साथ मिक्स करते हैं, सेमी कंडक्टर्स से मिक्स करते हैं, यानी इम्प्योर फॉर्म में, इन इम्प्योर फॉर्म इट एक्ट्स लाइक ए सेमी कंडक्टर, एन टाइप का सेमी कंडक्टर, पी टाइप का सेमी कंडक्टर, ये पढ़ेंगे आगे जाकर, एन टाइप फिजिक्स में भी पढ़ेंगे और आगे केमिस्ट्री में भी, एक या तो 11th क्लास में पढ़ा होगा ये सॉलिड स्टेट के अंदर, एन टाइप सेमी कंडक्टर, पी टाइप सेमी कंडक्टर, ये इसको बोल सकते हैं, एन टाइप सेमी कंडक्टर, पी टाइप सेमी कंडक्टर। तो ये नोट करना है इसके अंदर, इंपॉर्टेंट चीज़ है काफ़ी, नेक्स्ट नोट करेंगे इसमें, ये इसको इसलिए हम मेटेलिक फॉस्फोरस, ग्रेफाइट लाइक मॉलिक्यूल है, ये कैसा है, इट इज़ ऑल्सो ग्रेफाइट लाइक मॉलिक्यूल, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर भी ऐसे होता है ना, हेक्सागोनल रिंग्स बनती है उसके अंदर, तो ग्रेफाइट लाइक मॉलिक्यूल है स्ट्रक्चर, ग्रेफाइट लाइक स्ट्रक्चर, सही ना, इसका जो मोस्ट स्टेबल लीस्ट रिएक्टिव, क्योंकि एंगल स्ट्रेन क्या है, खत्म है बिल्कुल, मोस्ट स्टेबल लीस्ट रिएक्टिव, मोस्ट स्टेबल होता है लीस्ट रिएक्टिव है बिकॉज ऑफ नेग्लिजिबल एंगल स्ट्रेन, इसलिए मोस्ट स्टेबल लीस्ट रिएक्टिव। और इसमें स्ट्रक्चर उसका था चेन लाइक स्ट्रक्चर था रेड फॉस्फोरस का, इसका शीट लाइक स्ट्रक्चर, नेटवर्क सॉलिड होता है, शीट लाइक स्ट्रक्चर, नेटवर्क सॉलिड है, क्लियर, नेटवर्क सॉलिड है इसका, तो इसमें तो हाईएस्ट MPBP इसका बहुत हाई होगा, डज नॉट ग्लो, सारी प्रॉपर्टीज वाइट फॉस्फोरस की शो नहीं करेगा, डज नॉट ग्लो, केमी लुमिनेशन शो नहीं करेगा, ये भी नॉन पॉइजनस है, इट इज ऑल्सो नॉन पॉइजनस, क्लियर, इट इज ऑल्सो नॉन पॉइजनस। तो इस टाइप की प्रॉपर्टीज हैं, और इसमें एंगल स्ट्रेन भी लीस्ट है, और MPBP हाई डेंसिटी सबसे ज़्यादा, हाईएस्ट डेंसिटी,
डेंसिटी भी इसकी सबसे ज्यादा होगी। बाकी तो और कुछ ऐसा है नहीं, बाकी ओके बहुत। हाँ एक वो आया ना सॉलिबिलिटी का, इनसॉल्युबल इन वाटर एंड सी एस टू, इनसॉल्युबल इन एच टू एंड सी एस टू। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है इसके अंदर। ये था हमारा मेटेलिक फॉस्फोरस, डेट इज ब्लैक फॉस्फोरस, ग्रेफाइट लाइक स्ट्रक्चर था इसका, और बाकी डिटेल्स मैंने दे दी है। इसकी प्रिपरेशन रह गई, प्रिपरेशन करेंगे इसकी अब। ये तो व्हाइट रेड और ब्लैक फॉस्फोर। और एक चीज़ और ध्यान रखना, व्हाइट फॉस्फोर जो है इसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होता है। इग्निशन टेम्परेचर मतलब रूम टेम्परेचर के आसपास 30 डिग्री सेल्सियस होता है व्हाइट व्हाइट फॉस्फोरस का इग्निशन टेम्परेचर। दिस इज द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस, देयरफॉर इट कैचेस फायर इवन एट रूम टेम्परेचर इन समर। तो इसलिए हाईली इनफ्लेमेबल है व्हाइट फॉस्फोरस, क्या है हाईली इनफ्लेमेबल। रीजन इट्स इग्निशन टेम्परेचर इज वेरी लो, देयरफॉर इट इज स्टोर्ड अंडर वाटर। व्हाइट फॉस्फोरस को स्टोर करते हैं अंडर वाटर। एनसीईआरटी रीडिंग जरूर करनी है कि कोई ना कोई पॉइंट छूट जाता है। स्टोर्ड अंडर वाटर बिकॉज इट इज इट्स इग्निशन टेम्परेचर इज वेरी लो, इट कैचेज फायर अंडर रूम कंडीशन ओनली, रूम टेम्परेचर ओनली, देयरफॉर इट इज स्टोर्ड अंडर वाटर। वाटर के अंदर इसको स्टोर कर सकते हैं, एयर में नहीं रखते इसको, एयर में तो इमीडिएटली इट विल कैच फायर। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है इसके अंदर। वाइट फॉस्फोरस बता दिया इसमें, वाइट फॉस्फोरस। अब इसकी प्रिपरेशन, प्रिपरेशन प्रिपरेशन इसकी प्रिपरेशन होती है फ्रॉम फॉस्फेट रॉक, वाइट फॉस्फोरस की फ्रॉम फॉस्फेट रॉक। क्लियर, इट इज प्रिपेयर्ड बाय फॉस्फेट रॉक। ये लिया मैंने फॉस्फेट रॉक को, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट लिया प्लस इसमें सिलिका डालेंगे। एग्जैक्ट वर्ड याद रखना, ऑब्जेक्टिव ऐसे ही आता है, सिलिका डालेंगे इन प्रेजेंस ऑफ कोक, सिलिका डालेंगे इन प्रेजेंस ऑफ कोक। तो बनता है और टेम्परेचर होता है 1773 केल्विन, 1773 केल्विन। तो बन जाता है इससे वाइट फॉस्फोरस और प्लस P4, वाइट फॉस्फोरस आ जाता सॉलिड फॉर्म में, ये प्रिपरेशन होगी इसकी, प्लस कैल्शियम सिलिकेट CaCl3 प्लस CO, प्लस CO। और CO पता ही है एंडोथर्मिक है, ये क्या है एंडोथर्मिक है, इसलिए क्या होगा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट इसलिए ज़्यादा होती है। एक्चुअली में दो स्टेप में देखिए रिएक्शन, मैं ऑरली बोल देता हूँ उसको, दो स्टेप में इसकी रिएक्शन है, शायद NCERT में दे भी नहीं रखा है ये। Ca3PO4 उल्टा इसमें SiO2 डालते हैं पहले, SiO2 डालेंगे तो मिलता हमारा क्या मिल जाएगा इससे CaSiO3 मिलता है, CaSiO3 प्लस P4O10 मिलता है, CaSiO3 मिलता है प्लस P4O10, P4O10 में जब कोक डालते हैं, P4O10 में क्या डालेंगे जब कोक, तो कोक की तो बहुत ज़्यादा एफिनिटी होती है टुवर्ड्स ऑक्सीजन, तो इसलिए P4 प्लस CO बना देगा, ठीक है ना, कोक CO2 CO बना देता है, जल्दी से इसे खींच लेगा और क्या बन जाएगा टेम्परेचर, ये क्योंकि एंडोथर्मिक है कंपाउंड, तो इसलिए इसलिए जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट हाई होगी। तो ये ध्यान रखना इसका इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है, वाइट फॉस्फोरस की प्रिपरेशन बता दी मैंने। और ये एक्चुअली मैंने फॉस्फेट जो रॉक लिया मैंने, फॉस्फेट रॉक क्वेश्चन आया हुआ जेई एडवांस में इसका, कि व्हाट हैपेंस व्हेन फॉस्फेट रॉक इज हीटेड विद सिलिका इन प्रेजेंस ऑफ कोक एट हाई टेम्परेचर। फॉस्फेट रॉक इज हीटेड विद सिलिका इन प्रेजेंस ऑफ कोक एट हाई टेम्परेचर। और ये जो फॉस्फेट रॉक लिया ना एक्चुअली में फ्लोरापेटाइट होता है, CF2 भी होता है साथ में इसके, वो दिखाते नहीं है इसको, बस फ्लोरापेटाइट होता है एक्चुअल में जो फॉस्फेट रॉक लिया मैंने, बनेगा वही सेम आंसर वाइट फॉस्फोरस है। अब इसको मैं अगर हीट कर दूँ, इसको मैं हीट कर दूं अगर सपोज 573 केल्विन पे इनर्ट CO2 के अंदर, हीट करके ब्लैक और रेड फॉस्फोरस मिलते हैं, इनर्ट CO2 में हीट कर दिया, तो इनर्ट CO2 में क्योंकि CO2 भारी गैस होती है, O2 को दबा देगी, O2 को भगा देगी, पास पास रहने नहीं देगी, नहीं तो वाइट फॉस्फोरस इमीडिएटली रिएक्ट कर जाएगा। इनर्ट CO2 में हीट करेंगे तो मिलेगा रेड फॉस्फोरस, तो रेड फॉस्फोरस मिलता है, और रेड फॉस्फोरस को 803 केल्विन पे हीट कर दिया अगर, और ज़्यादा हीट कर दिया तो मिलता है अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस। और अगर मैं इसको हीट कर देता हूँ सपोज 473 केल्विन, क्लियर, 473 केल्विन, और प्रेशर बहुत हाई 4000 to 12000 एटमॉस्फेयर, तो मिल जाता है बीटा ब्लैक फॉस्फोरस मिल जाएगा। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर, अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस भी रेड फॉस्फोरस में एक बॉन्ड तोड़ के बीच वाला वो बन जाता है। तो ये ध्यान रखना, ये प्रिपरेशन है, इसकी प्रिपरेशन याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है काफ़ी, इसको ढंग से पढ़ना है। बाकी तो उसके अंदर कुछ ऐसा,
अभी इसके अंदर कुछ खास ऐसा हुआ नहीं है, तो ये इसे यहाँ तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट चीज़ बताइए सारी, ये ध्यान रखनी सारी। ब्लैक फॉस्फोरस जो है मोस्ट स्टेबल है थर्मोडायनेमिकली और काइनेटिकली मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोप है फॉस्फोरस का, ठीक है। तो अब इसकी क्लोराइड्स वगैरह पढ़ेंगे, क्लोराइड्स ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो एसिड्स, वो ध्यान देना है उसमें। इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे सारी, सारा इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा ढंग से नोट डाउन करना है और कोई पॉइंट मिस ना हो बिल्कुल भी। तो नेक्स्ट हम करेंगे उसकी क्लोराइड्स वगैरह, जैसे PCl3 और PCl5 दोनों एक साथ ले लेंगे, PCl3 एंड PCl5 क्लोराइड्स हैं, और इसके साथ ही ऑक्साइड्स भी लेंगे P2O3 P2O5 P2O3 इज इक्वलेंट टू P4O6 P2O5 इज इक्वलेंट टू P4O10, ये ध्यान रखना दोनों एक ही जैसा, बस ये किस फॉर्म में आ जाएंगे दोनों, साइक्लिक रिंग के फॉर्म में। भी मैंने स्ट्रक्चर इसका एक क्वेश्चन लिया हुआ इसका कि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हैव ओपन चेन स्ट्रक्चर वाई दोज ऑफ फॉस्फोरस हैव केज लाइक स्ट्रक्चर्स, बताया था इसके अंदर, तो एन और ओ के P5 मल्टीपल बॉन्डिंग हो जाती है, वो सब बताना है उसके अंदर, वो ले लेंगे क्वेश्चन एक बार दोबारा। लेकिन अभी ध्यान रखेंगे PCl3 और PCl5 हमें स्टडी करना है। P4 में अगर मैं फाइट फॉस्फोरस के अंदर मैं Cl2 डाल दूंगा, Cl2 डाल दूंगा तो PCl3 बन जाएगा, PCl3 वाइट फॉस्फोरस में Cl2 डाल दें लिमिटेड अमाउंट में, 3 Cl2 डाला तो बन गया PCl3 बन जाएगा ऐसे से। और वाइट फॉस्फोरस में अगर ये लिमिटेड था लिमिटेड अमाउंट में, और अगर एक्सेस में डाल दें, एक्सेस में तो बन जाएगा PCl5, तो क्या बन जाएगा PCl5 ध्यान रखेंगे। और PCl3 में अगर मैं वाटर डाल दूं, ये हाइड्रोलाइज होके क्या दे देगा H3PO3 plus HCl, और इसमें अगर वाटर डाल दें, तो ये हाइड्रोलाइज होके दे देगा H3PO4 plus HCl। इसको कुछ ऐसे याद रख लेंगे, PCl3 है प्लस थ्री स्टेट है तो फॉस्फोरस की प्लस थ्री स्टेट आनी चाहिए, प्लस फाइव स्टेट है तो फॉस्फोरस की प्लस फाइव स्टेट मैक्सिमम आनी चाहिए, H3PO3 H3PO4 मिल जाएगा। और PCl5 का हाइड्रोलाइज ऐसे भी ध्यान रखना कि PCl5 में अगर वाटर डलता है लिमिटेड अमाउंट में, अगर इसका पार्शियल हाइड्रोलाइज होगा तो मिलता है POCl3, पहले एक ऑक्सीजन आएगा, एक ऑक्सीजन के आने से कितने Cl हटेंगे, 2 Cl हट जाएंगे, क्यों, क्योंकि Cl पे एक नेगेटिव चार्ज होता है, ऊपर 2 नेगेटिव होता है, ऐसे याद रखेंगे। फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड प्लस HCl 2 HCl हट जाएगा, और ये दोबारा अगर हाइड्रोलाइज हो जाएगा, तो मिलेगा H3PO4, ये ध्यान रखना इसके अंदर, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दे रखा है, व्हाट हैपेंस व्हेन PCl5 इज हीटेड विद PCl5 treated with heavy water, ये क्वेश्चन दे रखा है एक बार NCERT में, तो इसलिए इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, what happens when PCl5 is treated with heavy water, हैवी वाटर से ट्रीट करेंगे तो क्या बनेगा इसमें, पहले बनेगा POCl3 पार्शियल से प्लस 2DCl, एक ओ आएगा तो 2Cl हट जाएंगे, POCl3 प्लस 2DCl, दोबारा इसमें D2O डाल देंगे, H2O तो बन जाएगा D3PO4, समझ गए कि नहीं, D3PO4, ये तो D3PO4 बन गया प्लस DCl, ये बन जाएगा। ध्यान रखना कि नाम पता होना चाहिए, इसका नाम क्या है, फॉस्फोरस एसिड, PHOS, फॉस्फोरस एसिड, और ये क्या है, फॉस्फोरिक एसिड या ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड, और ये फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, दिस इज फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, तो ये याद रखेंगे। मैंने यहाँ पे PCl3 की प्रिपरेशन बताई है और उससे रिलेटेड हाइड्रोलिसिस अगर होगा तो क्या बनेगा वो भी बता दिया साथ साथ यहाँ पे। नेक्स्ट वन करेंगे आगे, अगर इसका रिएक्शन होगा ऑक्सीजन के साथ, वाइट फॉस्फोरस की रिएक्शन अगर ऑक्सीजन के साथ होगी, P4 plus O2 लिमिटेड अमाउंट में होगा तो क्या होगा, P4 solid plus O2 3O2 लिया लिमिटेड में तो क्या होगा, तो बन जाएगा P2O3 लिमिटेड में है तो P2O3 विच इज इक्वलेंट टू P4O6, ये ध्यान रखना इक्वलेंट है, बस ये चेन फॉर्म में है तो ये हमारा रिंग फॉर्म में होगा, P4O6 लिमिटेड में बनेगा। और अगर मैंने P4 5O2 ये लिया तो P2O5, ये बहुत इंपॉर्टेंट एजेंट है, P2O5 डीहाइड्रेटिंग एजेंट होता है इक्विवेलेंट टू P4O10, ध्यान रखना दोनों में जानबूझ के लिख रहा हूँ साथ साथ, कई बार रिएक्शन में इसी जगह ये लिख देंगे तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए दोनों में साथ साथ लिख रहा हूँ उसमें, P4O10 बनता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट डीहाइड्रेटिंग एजेंट है, डीहाइड्रेटिंग एजेंट होता है ये, ऑर्गेनिक में हम बहुत जगह यूज करते हैं इसको, जैसे अगर मैं बात करूँ डीहाइड्रेटिंग एजेंट जैसे HNO3 है,
HNO3 में P4O10 डाल दिया या P2O5 डाल दिया, तो इसके दो मॉलिक्यूल लेंगे, वाटर बाहर निकाल देगा इसमें से, एक ऑक्सीजन यहाँ से और ये भर गया, तो N2O5 बना देगा इसको और खुद बन जाएगा HPO3। HNO3 देगा क्या बन गया, HPO3, जिसको मेटाफॉस्फोरिक एसिड कहते हैं। ऑर्गेनिक में इसको यूज़ कैसे करते हैं, CH3CONH2 है, एसिटामाइड या एथेनामाइड, इसमें डाल दिया मैंने P2O5 या P4O10, तो बना देगा, वाटर बाहर निकाल देगा इसको और ये बना देगा CH3CN, नाइट्राइल बना देगा CH3CN। तो मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया ताकि याद रहे कि ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, क्लियर, इट इज़ ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो ध्यान रखना। और अगर लेकिन अगर इसका हाइड्रोलिसिस कर दें हम दोनों का, चाहे इसका हाइड्रोलिसिस कर दें तो बनेगा प्लस, ये प्लस थ्री में है P2O3 में, तो यहाँ बन जाएगा हमारा क्या, H3PO3 ओनली प्रोडक्ट, पी चार थे तो 4H3PO3 लाएंगे, 6 लग जाएगा ये पूरी बैलेंस, 4H3PO3। ध्यान रखना फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोनिक एसिड भी कहते हैं इसको, और इसमें डाल दिया अगर मैंने 6H2O तो बन जाएगा 4H3PO4 प्लस 5 के अंदर, ये प्लस 5 में है तो वो भी प्लस 5 में, तो जब मैंने PCl3 बनाया था उसका हाइड्रोलिसिस किया तब भी ये बना, इसका हाइड्रोलिसिस किया तो भी ये बना, बस इसमें ये ओनली प्रोडक्ट है, उनमें HCl वगैरह भी बाहर निकल रहे थे। तो ये ध्यान रखना कि रिएक्शन इस तरीके से होती है। नेक्स्ट वाइट फॉस्फोरस की तीसरी रिएक्शन, पहले Cl2 से कराइए फिर O2 से कराइए, अब मैं कराऊंगा वाइट फॉस्फोरस की रिएक्शन एक बार SOCl2 से एक बार SO2Cl2 से, SOCl2 से रिएक्शन और SO2Cl2 से, ये है थायोनिल क्लोराइड, बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है ऑर्गेनिक के अंदर, थायोनिल क्लोराइड, और ये है सल्फरिल क्लोराइड। तो इसमें तो बन जाएगा PCl3, एस की स्टेट यहाँ प्लस 4 है ना, कम है तो कम वाला बनेगा, इसमें एस की स्टेट सल्फरिल क्लोराइड में प्लस 6 है तो ज़्यादा वाला बनेगा PCl5। इसमें तो SO2 मिलता है और इसके अंदर मिलता है SO2 प्लस S2Cl2 दोनों मिलते हैं। ये भी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट हैपेंस व्हेन वाइट फॉस्फोरस रिएक्ट्स विद थायोनिल क्लोराइड रिएक्ट्स विद सल्फरिल क्लोराइड, तो ये दोनों रिएक्शन भी ध्यान रखनी है। और इसके अंदर मैं एक बार तरीका बता देता हूँ ताकि ये रिएक्शन याद रहे, थर्ड वाली एक बार तरीका नोट कर लेंगे। अभी बहुत रिएक्शन है वाइट फॉस्फोरस की सल्फर के साथ, रिएक्शन बहुत सारी रिएक्शन है इसके अंदर, लेकिन हमें पढ़नी नहीं है वो सारी। रेड फॉस्फोरस मैच बॉक्स में भी यूज होता है, ध्यान रखना, ये मिस हो गया पीछे। रेड फॉस्फोरस इज ऑल्सो यूज इन मैन्युफैक्चरिंग मैच बॉक्सेस में रेड फॉस्फोरस यूज होता है, और स्पेशल कंपाउंड इसका P4S3 होता है। अच्छा ध्यान देंगे इधर, जैसे मैंने लिया P4 में पी था SOCl2, ये बनाने का तरीका है, SOCl Cl ले लिया, SO दूसरा मॉलिक्यूल लिया, Cl ले लिया, तो इस पी के साथ तीन, तो ये पी है, तीन तो Cl आ गए इसके साथ, तीन Cl आ गए तो PCl3 अलग हो गया, प्लस SO2 ये अलग हो गया, SO2 अलग हो गया, यही बना था कि नहीं, S और Cl से HCl तो कुछ होता नहीं है, बॉन्ड ही पूरे नहीं होंगे, तो H2Cl डबल कर देना इसका, H2Cl2 सल्फर मोनोक्लोराइड, सही है, मोनोक्लोराइड सल्फर का मोनोक्लोराइड मिल जाएगा। तो इस तरह से याद कर सकते हैं इसको, पूरी रिएक्शन करें तो P4 प्लस SOCl2 था, बैलेंस कर सकते हैं इसको, एक पी के साथ दो SOCl2 आए, एक पी के साथ दो SOCl2 आए, है ना, तो चार के पी चार है इसमें, तो 8 SOCl2 आएगा, बैलेंस करके देखना हो जाएगी बैलेंस, 4 PCl3 करके आएगा और हमारा आ जाएगा यहाँ पे, चलो बैलेंस खुद करना है इसको, ट्राई करना है, 6 SO2 आ जाएगा और S2Cl2, इस तरह से बैलेंस कर लेंगे हो जाएगा बैलेंस, तो ट्राई कर लेना, इंपॉर्टेंट है थायोनिल क्लोराइड का रिएक्शन। तो ये पी फॉस्फोरस की रिएक्शन Cl2 के साथ, O2 के साथ और थायोनिल और सल्फरिक क्लोराइड के साथ। अभी ये इसकी एप्लीकेशन क्या है, जैसे CH2OH है, अच्छा एक चीज़ होता है ना, ये येलोइश वाइट पाउडर होता है, PCl3 अगर गैस है तो ये येलोइश वाइट पाउडर है, ये जैसे याद रखना कि मास ज़्यादा है तो येलोइश वाइट पाउडर के फॉर्म में होगा, ये जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल में से रिलेटेड क्वेश्चन, एक CH2OH है, इसमें डाल दिया अगर मैंने CH2OH के अंदर डाल दिया मैंने PCl3, CH2OH में डाल दिया PCl5, और नहीं पढ़ेंगे इसको, दोनों के केस में CH2OH हटके Cl लग जाएगा, OH के हटके Cl प्लस HCl, PCl5 डाल दिया तो भी CH2Cl प्लस HCl प्लस POCl3 फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, सबके मैकेनिज्म होते हैं लेकिन ऑर्गेनिक में है सब POCl3 से। और अगर मैं CH3COOH ले लूँ, इसमें भी अगर PCl3 डाल दिया तो CH3COCl,
OH हटके CL, PCl5 डाल दिया, OH हटके CL, HCl सही ना, तो सेम वही चीज़ होनी है प्लस PuCl3 फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। तो ये रिएक्शन सारी इंपॉर्टेंट है, कोई मिस नहीं करना इसमें, PCl3 और PCl5 की सारी रिएक्शन थी। नेक्स्ट नोट करेंगे अगर, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी, इसको कुछ मिस नहीं करना आपको भी। PCl5 का तो डिटेल में ऐसे बताई हुई है कि PCl5 को हीट करते हैं तो PCl3 + Cl2 मिलता है, PCl3 + Cl2 मिलता है, और PCl5 की डिटेल सारी करनी है, थोड़ी इंपॉर्टेंट है वो। ये बताया रखा ना इसके अंदर, PCl5 को हीट किया तो ये टूट जाता है PCl3 + Cl2 के अंदर, इधर टूट जाएगा, और इसमें दो बॉन्ड लेंथ होती हैं, Cl, 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 एक एक्सियल बॉन्ड लेंथ, ये एक्सियल होती है, ये हमारी इक्वेटोरियल होती है, तीन तीन इक्वेटोरियल और दो एक्सियल, एक्सियल बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है बिकॉज इट एक्सपीरियंसेस मोर रिपल्शन, इट एक्सपीरियंसेस मोर रिपल्शन देन PCl इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ, इसलिए दो एक्सियल जो है जल्दी टूट जाएंगे, दोनों एक्सियल वाली टूट जाती है जल्दी और PCl3 मिल जाएगा। और PCl5 सॉलिड फॉर्म में कैसे एग्जिस्ट करता है, सॉलिड फॉर्म में ये इस तरीके से आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ध्यान देंगे इधर, PCl4 पॉजिटिव, PCl6 नेगेटिव। क्वेश्चन आता है इसका कि इसमें PCl5 सॉलिड की हाइब्रिडेशन क्या है, PCl5 सॉलिड की हाइब्रिडेशन क्या है, ये क्वेश्चन आता है, तो इसमें क्या लिखेंगे, ऑप्शन दे दिया मैंने, व्हाट इज द हाइब्रिडेशन ऑफ PCl5 सॉलिड, तो दे दिया sp3d, sp3d2, sp3d3, तो इन चारों में बताना है कि कौन सी हाइब्रिडेशन होगी PCl5 सॉलिड की, PCl5 की सॉलिड की क्या हाइब्रिडेशन, तो ये ट्राई कर लेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट नोट करेंगे, PCl5 सॉलिड तो ऐसे एग्जिस्ट करता है, PBr5 सॉलिड कैसे एग्जिस्ट करता है, PBr5 ये टूटेगा PBr4 पॉजिटिव Br नेगेटिव में, PBr4 पॉजिटिव और Br नेगेटिव के अंदर, तो ये अब क्यों PBr6 नेगेटिव नहीं बना इसकी तरह, क्योंकि ये बड़ा है आयन, बड़ा है तो रिपल्शन ज़्यादा होंगी, P के साथ 6 Br लगेंगे तो रिपल्शन ज़्यादा होंगी, जिसकी वजह से PBr6 नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। PBr5 भी होता ना अगर PI5 सॉलिड, तो वो भी ऐसे एग्जिस्ट करता है आयनिक फॉर्म में, प्रेशराइज कर दिया ना इसको, प्रेशराइज कर दिया तो ये थोड़ा सा ये ऐसे आयनिक फॉर्म में आ जाते हैं, प्रेशराइज करने का फोर्सेज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और आयनिक फॉर्म में आ जाएंगे इस तरीके से, PI4 पॉजिटिव, जैसे N2O5 अगर है, सपोज N2O5 सॉलिड भी है ना, तो ये भी टूटता है NO2 + NO3-, मतलब इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है NO2 + NO3-, और इसमें अगर हम सोडियम डालते हैं, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सोडियम डाल दें तो मिल जाता है इसमें NaNO3, सोचना इसको ये कैसे मिला है, ये चीज़ कैसे मिल रही है, एग्जिस्टेंस दिखा दिया इसका मैंने, सोडियम डालने पर ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो इस तरह से एग्जिस्ट करता है, तो ये ध्यान रखना सारी बातें इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बहुत सारे कंपाउंड्स है, Cl2O6 सॉलिड फॉर्म में कैसे एग्जिस्ट करेगा, Cl2O7 सॉलिड फॉर्म में कैसे एग्जिस्ट करेगा, I2O5 किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इसके, सॉलिड फॉर्म में कैसे एग्जिस्टेंस है, लेकिन PCl5 सॉलिड अभी जितने भी कराए हैं PCl5 सॉलिड का ध्यान रखना कि वो कैसे एग्जिस्ट करता है, वो ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। नेक्स्ट नोट करेंगे, PCl5 कैन PCl5 एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग, ये NCERT का क्वेश्चन है, कैन इट एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, क्या ये दोनों काम कर सकता है, तो आंसर क्या आएगा, नो इट कैन नॉट एक्ट एज बोथ, रीजन पी की स्टेट यहाँ पे क्या आ रही है, +5 + 5 है तो सिर्फ कम हो सकती है, +5 है तो सिर्फ कमी तो होगी, आगे तो नहीं बढ़ेगी, इसलिए इट विल एक्ट ओनली एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, PCl5 एक्ट ओनली एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एग्जाम्पल्स टू प्रूव, ये NCERT का क्वेश्चन है, तो जैसे AG में PCl5 डाल दिया उन्होंने, AG में PCl5 डाल दिया तो ये इसको ऑक्सीडाइज कर देगा AgCl में, प्लस खुद हमेशा PCl3 में जाएगा, SN में डाल दिया तो इसका स्टेनिक क्लोराइड बना देगा, SnCl4 + PCl3 बन जाएगा, तो ये दो एग्जांपल्स हैं इसके, एग्जांपल टू प्रूव ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑफ PCl5, टू प्रूव ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर ऑफ PCl5, तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। तो ये थे हमारा PCl5 PCl3, उनकी ऑक्साइड्स वगैरह भी थोड़ी सी, ऑक्साइड्स की शेप भी देख सकते हैं, पर जो P2O3 P4O6 ऑक्साइड बनी है और P4O6 जो ऑक्साइड बनी है इसकी शेप देख सकते हैं, पर P4O6
P4O6 जो ऑक्साइड बनी है इसकी शेप, और P4O10 की, P4O6। ये इस तरीके से शेप आ जाएगी इसकी, P4O6 की, P4O6 की शेप है। इसमें कितने, ये क्वेश्चन आता है इसमें, इसमें कितने पीओ बॉन्ड्स हैं, पी सिंगल बॉन्ड हुए हैं, इसमें कितने सिंगल पीओपी बॉन्ड्स हैं, कितने सिंगल पीओपी बॉन्ड्स हैं, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसके अंदर कितने, इसमें कितने, इसमें कितने ब्रिजिंग ऑक्सीजन एटम्स हैं, ब्रिजिंग ऑक्सीजन एटम कितने हैं, ये सारे क्वेश्चन से ट्राई करने हैं। P4O10, P4O10 बनाएंगे तो बस ये सेम स्ट्रक्चर बनाना है, सेम स्ट्रक्चर बना देंगे इसमें, बस क्या करेंगे, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ठीक है ना। पी फोर, दिस इज P4O10। ऐसी P4O8 का स्ट्रक्चर, P4O7 का स्ट्रक्चर, वो भी बनते हैं बहुत सारे, लेकिन अभी ये ध्यान रखना P4O6 और P4O10 दोनों इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं, केज लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं, क्योंकि फॉस्फोरस जो है ये मल्टीपल बॉन्ड्स नहीं बना सकता नाइट्रोजन की तरह, नहीं तो इसके भी स्ट्रक्चर ओपन चेन होते, मल्टीपल बॉन्ड नहीं बना पा रहा, इसलिए इसके स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, मल्टीपल बॉन्ड मतलब जैसे पी के ओ के साथ जनरली मल्टीपल बॉन्ड बनते हैं, अगर पहले तो ये बनाता ओपन चेन स्ट्रक्चर, अभी ये बना रहा है केज लाइक स्ट्रक्चर, केज लाइक स्ट्रक्चर P4O6 की तरह, केज लाइक यानी क्लोज चेन स्ट्रक्चर बनते हैं इसके। तो ये इसकी ऑक्साइड्स हैं, फॉस्फोरस की ऑक्साइड्स किस फॉर्म में होती है, केज लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में, और नाइट्रोजन की ऑक्साइड जो पढ़ेंगे वो ओपन चेन फॉर्म में होती है। नाइट्रोजन की ऑक्साइड जो है ना, जैसे N2O की बात करें, N2O तो ओपन चेन में N ट्रिपल बॉन्ड N नाइट्रस ऑक्साइड आ गई, NO की बात करें N डबल बॉन्ड O तो एक यहाँ पे इसके पास क्या आता है, ऑड इलेक्ट्रॉन, तो ये NO बन गया ओपन चेन फॉर्म में। मैं बात करूँ N2O3 की, N2O3 भी ये ऐसे ही एग्जिस्ट करता है, N डबल बॉन्ड O लोन पेयर, N डबल बॉन्ड O और एक ये, तो N2O3 जो कि ब्लू सॉलिड है, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, ब्लू सॉलिड होता है ये, सही ना। मैं बात करूँ NO2 की, N डबल बॉन्ड O, ये भी किस फॉर्म में, ओपन चेन फॉर्म में, इसका डाइमर जो N2O4, तो ये इलेक्ट्रॉन दूसरे NO2 के इलेक्ट्रॉन से कंबाइन कर जाएगा और N2O4 बन जाएगा इस तरीके से, ये आ गया N2O4, फिर N2O6 सॉरी N2O5 बोलेंगे, N2O5, तो ये सेम ऐसी स्ट्रक्चर बिल्कुल, बस यहाँ पे बीच में क्या आ जाएगा, ये इस तरीके से, दिस इज N2O5, ये N2O5 है। जैसे इसमें पूछा NCERT का क्वेश्चन है, N2O4 के अंदर नाइट्रोजन की कोवेलेंसी क्या है, व्हाट इज द कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन N2O4, N2O4 में नाइट्रोजन की कोवेलेंसी कितनी है, कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं इसके, 1, 2, 3, 4, तो कोवेलेंसी इज, कोवेलेंसी कितनी आ गई इसकी, 4। ऐसे इधर नाइट्रोजन की कोवेलेंसी कितनी है, 1, 2, 3, 4, कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 4, क्लियर हो गया बात नहीं है। तो कोवेलेंसी इधर नाइट्रोजन कितनी है, 1, 2, 3, तो 3 है, तो 3 हो गई कोवेलेंसी। ये ब्राउन गैस होती है N2O, ये बताया हुआ पहले, बाकी कलरलेस होते हैं, ब्राउन गैस, और N2O और NO दोनों न्यूट्रल, ये न्यूट्रल है CO की तरह, और बाकी सारे क्या हैं, एसिडिक हैं, बाकी सारे एसिडिक हैं, ये न्यूट्रल है। तो ये सारी बातें पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो यही स्टडी करेंगे। N2O उसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सही ना, नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस भी कहते हैं इसको, लाफिंग गैस, ये पहले यूज होती थी, लाफिंग गैस इंपॉर्टेंट है, ये पहले यूज होती थी एज एन एनेस्थेटिक एजेंट, ये एनेस्थेटिक एजेंट की तरह यूज होती थी पहले, एनेस्थेटिक एजेंट यानी लोग अनकॉन्शियस करने के काम आती थी, हंसा हंसा के ना बेहोश करते थे लोगों को, हंसा हंसा के, लेकिन इसमें क्या है कि एक्स्ट्रा जब अगर हो जाती है तो ज़्यादा हंसने से कई बार डेथ भी हो जाती थी, तो इसलिए इसको हम एज एन एनेस्थेटिक एजेंट हम यूज़ नहीं करते। अभी आएगा क्वेश्चन तो यूज़ कर सकते हैं एज एन एनेस्थेटिक एजेंट, और वो फिल्म्स वगैरह में भी जैसे ड्रामेटिक इफेक्ट देने के लिए, कॉमेडी सीन क्रिएट करने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं, नाइट्रोजन नाइट्रस ऑक्साइड का, सिलेंडर्स का। और नाइट्रस ऑक्साइड आजकल जो बाइक की स्पीड वगैरह बढ़ाते हैं, बाइक्स की स्पीड वगैरह बहुत तेज़ी से बढ़ाते हैं, उसमें भी नाइट्रस ऑक्साइड के सिलेंडर्स लगते हैं, तो ये इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है ना। और नाइट्रिक ऑक्साइड जो है, नाइट्रिक ऑक्साइड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये हमारा जो सुपरसोनिक जेट एरोप्लेन्स होते हैं ना, सुपरसोनिक जेट एरोप्लेन्स, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये नाइट्रिक ऑक्साइड NO, नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं इसको, इसका भी क्वेश्चन NCERT के अंदर दे रखा है। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है सुपरसोनिक जेट एरोप्लेन्स का एग्जॉस्ट होता है, रिलीज करती है, ये वाली गैस रिलीज होती है, और ये वाली गैस जो सुपरसोनिक जेट एरोप्लेन्स रिलीज कर रहे हैं, ये डिप्लीट कर रही है ओजोन लेयर को, ये NCERT का क्वेश्चन है।
how supersonic jet aeroplanes deplete ozone layer. They are depleting ozone layer by releasing nitric oxide. Nitric oxide को release करके ozone से वो इस तरह से NO2 plus half O2 बना के deplete कर रहे हैं, सही ना? तो O3 किसमें convert हो गई? O2 के अंदर. Like this, ozone layer is depleted. ये reaction दिखानी है इसके अंदर. Supersonic jet aeroplane, the exhaust of these their fuels is nitric oxide. Nitric oxide है. Nitric oxide ozone layer को deplete इस तरह से कर रही है. ऐसे ही आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन. क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स वो कैसे डिप्लीट कर रहे हैं ओजोन लेयर को. क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जिसको फ्रियॉन्स भी कहते हैं, जो कि रेफ्रिजरेटर वगैरह में भरे जाती है गैस, तो या एसी वगैरह में होती है, ये भी डिप्लीट करती है ओजोन लेयर को. कैसे करती है उसका मैकेनिज्म बाद में पढ़ेंगे. तो इस तरीके से ये बातें सारी इंपॉर्टेंट है, तब ध्यान रखना इसके अंदर. फिर इसके अलावा जो नाइट्रिक ये डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड है, जो ब्लू सॉलिड है, ब्लू सॉलिड है लिक्विड फॉर्म में भी कई बार एग्जिस्ट करता है. ये जो है डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, ये हमारा एनहाइड्रस होता है. एनहाइड्रस किसका एनहाइड्रस है? HNO2 plus HNO2. दो HNO2 लो, वाटर बाहर निकाल दो उसके अंदर से इस तरह से. एक ऑक्सीजन और एक वाटर, ये बाहर निकल गया अगर एच 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 और एक ओ, तो क्या बन जाएगा N2O3. तो इट इज HNO2 क्या? इट इज एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एसिड. इट इज एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एसिड. नाइट्रस एसिड समझ में नहीं? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे क्वेश्चन ऐसे ही. N2O5 क्या होगा? N2O5 ये तो मैंने प्रिपरेशन बता भी दी है अभी. इसकी दो HNO3 ले और उसमें से वाटर बाहर निकाल दें. वाटर कैसे निकलता है? अभी मैंने बताया था पीछे P4O10 डाल के डीहाइड्रेटिंग एजेंट होता है. N2O5 मिल जाएगा साथ में HPO3 मेटाफॉस्फोरिक एसिड मिल जाएगा, बताया था. इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. तो इसमें इसको क्या बोलेंगे? एनहाइड्राइड ऑफ, दिस इज एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड. नाइट्रिक एसिड. अब ये सोच के बताना एनओ टू किसका एनहाइड्राइड होगा. एनओ टू किसका एनहाइड्राइड होगा ये सोच के बताना एक बार. एनओ टू इज एनहाइड्राइड ऑफ, एनओ टू इज एनहाइड्राइड ऑफ, सही ना? तो एनओ टू हमारी ब्राउन गैस है. तो ये कुछ डिटेल्स मैंने बता दी इसकी. अब इनकी प्रिपरेशन प्रिपरेशन और कुछ क्वेश्चन इनसे रिलेटेड वो करेंगे. प्रिपरेशन देर प्रिपरेशन, ये ऑक्साइड्स की प्रिपरेशन की. जैसे पहला N2O है, N2O नाइट्रस ऑक्साइड नाइट्रोजन की प्लस वन स्टेट. प्रिपेयर कैसे होता है? जब अमोनियम नाइट्रेट को हीट करते हैं, अमोनियम नाइट्रेट इसको हीट करेंगे तो मिलता है N2O. N2O सही ना? क्या मिल जाएगा? N2O plus 2H2O. याद ऐसे रख सकते हैं, याद इसको ऐसे रखते हैं. N की स्टेट यहाँ माइनस थ्री है, यहाँ N की स्टेट प्लस फाइव है. दोनों का एवरेज क्या आएगा? दो नाइट्रोजन है, दोनों का एवरेज क्या आएगा? प्लस फाइव माइनस थ्री बाय टू. दो नाइट्रोजन थे ना तो प्लस वन, इसलिए यहाँ पे स्टेट नाइट्रोजन की प्लस वन होनी चाहिए. नाइट्रस ऑक्साइड, क्लियर? दिस इज नाइट्रस ऑक्साइड. नाइट्रस ऑक्साइड है और नाइट्रस ऑक्साइड जो है ना, इट इज बेटर सपोर्टर ऑफ कंबशन देन ऑक्सीजन. बेटर सपोर्टर ऑफ कंबशन देन ऑक्सीजन. इट इज बेटर सपोर्टर ऑफ कंबशन देन ऑक्सीजन. कैसे? क्योंकि जो व्हाइट फॉस्फोरस है इसमें N2O डाल दिया अगर मैंने, तो इमीडिएटली N2 तो हाईली स्टेबल है, ये बाहर निकल जाएगा और बन जाएगा P4O10 plus N2. सही ना? P4O10 plus N2. तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी. व्हाइट फॉस्फोरस डालते ही इसके अंदर, व्हाइट फॉस्फोरस डालते ही इसके अंदर क्या बना देता है? P4O10 plus N2. तो इसलिए इट इज बेटर सपोर्टर ऑफ कंबशन, बेटर सपोर्टर ऑफ कंबशन. तो ये याद रखना इसके अंदर. तो ये N2O हमने पढ़ लिया, ये कैसे बना है समझ आ गया होगा. नेक्स्ट नोट करना है इसमें. और भी तरीके हैं इसको वैसे बहुत सारे बनाने के. एक नोट करेंगे इंपॉर्टेंट तरीका, जैसे जिंक में अगर हम डाल दें, जिंक जो कि ज़्यादा एक्टिव है किससे? हाइड्रोजन से. ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होंगे हाइड्रोजन से, वो कैसे रिएक्ट करते हैं इसका? अगर मैं इसमें डाल दूँ जिंक में डाइल्यूट एच एन ओ थ्री, डाइल्यूट एच एन ओ थ्री डाल दें तो मिलता है जिंक नाइट्रेट प्लस एन टू, तो मिल जाता है डाइल्यूट एच एन ओ थ्री. ना डाइल्यूट मतलब नाइट्रेट आयन बहुत कम है. नाइट्रेट आयन बहुत कम है तो इलेक्ट्रॉन बहुत सारे आ सकते हैं. नाइट्रेट आयन बहुत कम है, जिंक कंपेरिजन में क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा. इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देगा तो स्टेट नाइट्रोजन की बहुत कम हो जाएगी और प्लस वन में आ जाएगा. और अगर इसमें कंसंट्रेटेड डाल देंगे तो इसमें नाइट्रेट आयन बहुत सारे हैं, जब ज़्यादा होंगे तो क्या हो जाएगा? जिंक नाइट्रेट तो बनेगा. अब
क्या होगा इसमें, नाइट्राइड आयन बहुत सारे हैं, जिंक फिर के कंपेरिजन में कम होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कम मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स कम मिलेंगे तो क्या मिलेगा, एनओ टू, इलेक्ट्रॉन्स कम मिलेंगे तो एनओ टू गैस, क्लियर। तो ये दोनों की प्रेशर होगी तरह, एन टू ओ की भी, एनओ टू की भी, और अगर ज़्यादा रिएक्टिव मेटल था ये तो जिंक, तो जिंक हो आयरन हो तो ऐसी रिएक्शन होती है। कॉपर आ जाए, अगर कॉपर में डायल्यूट एच एन ओ थ्री डाल देंगे, कॉपर में कंसनट्रेट एच एन ओ थ्री डाल देंगे, डायल्यूट डाला तो कॉपर नाइट्रेट, कॉपर तो कम रिएक्टिव है, ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, इसलिए एनओ बनता है इसमें, और कॉपर नाइट्रेट प्लस कंसनट्रेटेड हमेशा क्या बनेगा, एनओ टू, कंसनट्रेटेड फॉर्म में है तो हमेशा एनओ टू, क्योंकि नाइट्रेट आयन बहुत सारे होंगे इसके अंदर, नाइट्रेट आयन बहुत सारे, इलेक्ट्रॉन कम आएंगे, हमेशा एनओ टू बनेगा, ये ध्यान रखना कंसनट्रेटेड में, ऑलवेज एनओ टू। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी दोनों, मैंने बता दी प्रिपरेशन। यहाँ से नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रिपरेशन भी हो गई है, नाइट्रस ऑक्साइड की प्रिपरेशन भी हो गई है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की प्रिपरेशन भी हो गई है यहाँ पे। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिखी थी, नोट कर लेंगे इसको, नेक्स्ट करना है आगे। एन टू ओ की प्रिपरेशन बता दी मैंने यहाँ पे, एन टू ओ, नेक्स्ट नोट करेंगे एनओ की प्रिपरेशन, एनओ एक प्रिपरेशन मैंने ऊपर बता दी है, प्रिपरेशन ऑफ एनओ। तो ये है बाय ऑस्टोल प्रोसेस, मैंने करा दिया ऑस्टोल प्रोसेस क्या होता है, पहले ऑस्टोल प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग नाइट्रिक एसिड, अभी भी पढ़ेंगे इसको, नाइट्रिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करते हैं ऑस्टोल प्रोसेस। NH3 है, इसमें O2 डाला हाई टेम्परेचर पे प्लेटिनम के साथ 1100 केल्विन पे, या फिर रोडियम के साथ 500 केल्विन के आसपास, तो मिल जाता है NO, NO प्लस H2O, NO प्लस H2O मिल जाएगा। और ये NO, क्वेश्चन आता है वाई NO टर्न्स ब्राउन इन एयर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ये, वाई नाइट्रिक ऑक्साइड टर्न्स ब्राउन इन एयर, तो नाइट्रिक ऑक्साइड एयर के अंदर रिएक्ट करके क्या बना देता है, ब्राउन के, ब्राउन गैस बना देता है, ब्राउन गैस, ब्राउन और येलो इंटरचेंजेबली यूज होता है, मतलब एक तरह से यहाँ आते हैं ब्राउन कलर है, अगर सूख जाएगा तो हमें कुछ कुछ येलो फॉर्म में ही कई बार दिखने जाता है, सही ना, कई बार, या फिर फ्रेश होता तो दिखता है येलो, ब्राउन और येलो को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं ज़्यादा। तो एनओ टू गैस आ जाएगी, एनओ टू गैस में जब एच टू डालेंगे तो एच एन ओ टू आ जाएगा, एच एन ओ थ्री आ जाएगा, ये दोनों आ गए। और मैंने पीछे जो बताया था, हिंट दिया था एनओ टू किसका एनहाइड्राइड है, तो यहाँ पे हिंट आ गया, एनओ टू जो है एच एन ओ टू और एच एन ओ थ्री का एनहाइड्राइड है, दोनों का, दोनों मिलते हैं ये, और हीटिंग कर रहे हैं हम एच टू के साथ के, हीटिंग करने से एच एन ओ टू किस में कन्वर्ट होता है, एच एन ओ थ्री प्लस एनओ के अंदर, तो ये नहीं मिलेगा, ध्यान रखना ये चीज़ नहीं मिलती, ये ही मिलेंगे दोनों। और ये जो एच एन ओ थ्री मिलता है, इट इज 68%, इसको 98% करते हैं, इसको 98% करते हैं कंसनट्रेट रेसिपो डाल के, कंसनट्रेट रेसिपो डाल देंगे इसके अंदर, तो वो डिहाइड्रेटिंग होता है, पानी को बाहर निकाल देगा इसके अंदर से, और ये 98% हो जाएगा, 98% हो जाएगा एच एन ओ थ्री यहाँ पे। नाउ एच एन ओ थ्री विल बिकम 98%, तो ये भूलना नहीं है इसके अंदर। तो ये ऑस्टोल प्रोसेस था फॉर मैन्युफैक्चरिंग नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए ऑस्टोल प्रोसेस था, ये पहले भी बता दिया मैंने, तो इसको दोबारा कर दिया हमने यहाँ पे। तो ये किसकी प्रिपरेशन थी, एनओ की, एनओ की दो प्रिपरेशन बता दी, कॉपर में डायल्यूट एच एन ओ थ्री डाल के, और दूसरी प्रिपरेशन ये बता दी, सही ना, दिस वाज प्रिपरेशन ऑफ एनओ। और भी प्रिपरेशन आती है, आयरन टू प्लस के अंदर अगर मैं डाल दूँ एच एन ओ थ्री, आयरन टू प्लस में एच एन ओ थ्री डाल दूँ तो भी बन सकता है, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, लेकिन यहाँ पर आयरन कम है, आयन ली है, तो उससे भी एनओ बनता है, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं तो छोड़ सकते हैं इसको। नेक्स्ट नोट कर सकते हैं इसके अंदर, एक जैसे एन टू ओ, एनओ, एन टू ओ के स्ट्रक्चर में एनओ का स्ट्रक्चर तो ये आ गया सिंपल, ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड है, दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, दो इसके लोन पे रह जाएंगे, इसके पास एक ऑड इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, एक इसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, और ये ऑड इलेक्ट्रॉन दूसरे मॉलिक्यूल से कंबाइन कर सकता है, इसलिए एनओ डाइमराइज कर जाता है। क्यों, वाई एनओ डाइमराइजेस, ये क्वेश्चन आता है, डाइमराइजेस, या वाई एनओ टू डाइमराइजेस, रीजन बिकॉज इट इज ए, इट इज एन ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज जनरली क्या कर जाते हैं, डाइमराइज कर जाते हैं, तो इसलिए एक क्वेश्चन समझिए कि नहीं, ऑड इलेक्ट्रॉन एनओ टू, एनओ ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, एनओ जो है इट इज पैरामैग्नेटिक, क्योंकि एक अनपेड इलेक्ट्रॉन इसके पास, अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक इन गैशियस स्टेट, इन गैशियस स्टेट, बट डायमैग्नेटिक हो जाता है ये, डायमैग्नेटिक इन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट,
सॉलिड और लिक्विड स्टेट में डायमैग्नेटिक क्यों हो जाता है? पैरामैग्नेटिक इन गैसीय स्टेट बट डायमैग्नेटिक इन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट, तो ऐसा क्यों होता है? इट इज पैरामैग्नेटिक इन गैसीय स्टेट बट डायमैग्नेटिक इन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट, क्या है? क्योंकि इन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट इट फॉर्म्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लूज डाइमर, इस तरीके से डाइमर बना देता है ये, एन ओ, ये ऐसे करके ओ एन ये बना देता है, या फिर ऐसे दिखा सकते हैं इसका, ये भी बना सकता है जिसमें कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू शो कर सकते हैं, ये ऐसे भी शो कर सकते हैं, तो ये दिखाना है इसके अंदर, जब डाइमर बन गया तो ऑड इलेक्ट्रॉन खत्म, ऑड इलेक्ट्रॉन खत्म तो ये क्या बन गया, डायमैग्नेटिक। तो ये मेरी चीज ध्यान रखनी इसके अंदर, एनओ के एनओ आ गया, एनओ का और ट्रेल और जैसे इसका पूछ सकते हैं कि इसके अंदर कितने बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर इसका 2.5 है, और N2O में स्ट्रक्चर में बॉन्ड ऑर्डर क्या क्या होगा, N2O ये स्ट्रक्चर है इसका, इसमें रेजोनेंस होती है, N2O नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस, Na प्लस OP माइनस, ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, तो क्या आ जाएगा इधर से, N डबल बॉन्ड N माइनस प्लस डबल बॉन्ड O, ये स्ट्रक्चर बन जाएगा इसका, तो ये N2O में रेजोनेंस जब होगी तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड की जगह क्या आ गया था, डबल बॉन्ड आ गया, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ था, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, तो इसकी बॉन्ड ऑर्डर कितना 2.5 के आसपास आ जाएगा, और इधर सिंगल बॉन्ड था, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 1.5 के आसपास, 1.5 के, 2.5 इसका, 1.5 इसका बॉन्ड ऑर्डर, तो ऐसे आ सकते हैं क्वेश्चन, इधर बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 2.5, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन भी आएगा इधर, तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं N2O के अंदर। नेक्स्ट नोट करेंगे, नेक्स्ट है आगे, जैसे N2O हो गया, अब N2O3 जो कि ब्लू सॉलिड है, स्ट्रक्चर मैंने इसका बता दिया, तो ब्लू सॉलिड इसका स्ट्रक्चर बता दिया मैंने, इसकी प्रिपरेशन NO है ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड, दूसरा NO2 है ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड, दोनों ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड कंबाइन कर जाएंगे, कब, जब टेम्परेचर हम कम करेंगे, कम करेंगे मीन्स जैसे लेस देन 253 केल्विन, लेस देन 253 केल्विन, टेम्परेचर कम करेंगे 253 केल्विन के आसपास, तो NO का एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, दोनों बॉन्ड बना लेंगे और बन जाएगा N2O3, तो ये बन जाएगा ब्लू सॉलिड N2O3, स्ट्रक्चर मैंने इसका बताई दिया था पीछे भी, ये बन जाता है स्ट्रक्चर इसका, और ये अनसेटल स्ट्रक्चर है, लोन पेयर है ना इसका, अगर इसको हीट कर दें, हीट वगैरह करेंगे इसको, तो ये सिमिलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है ऐसे, इस तरीके से, तो ये सिमिलर स्ट्रक्चर हो गया सिमेट्रिकल, ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, ये अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, ज़्यादातर ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसी फॉर्म में, ये नहीं करते वाला, यही करते हैं स्ट्रक्चर को, तो ये था हमारा N2O3, डिटेल दे दी इसकी। नेक्स्ट नोट करेंगे अब NO2, N2O3 और NO2 क्या था, अभी मैंने पीछे बता दिया, इट इज़ मिक्स्ड ऑक्साइड है, ये थी ना, ये ध्यान रखना इसका, भूलना नहीं बिल्कुल ही, NO2 जो है मिक्स्ड ऑक्साइड, मिक्स्ड एनहाइड्राइड है, N2O3 क्या है, मिक्स्ड NO2 है मिक्स्ड एनहाइड्राइड, N2O3 क्या है, एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एसिड, और ऐसी हमारा जो N2O5 है वो क्या है, एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड, तो ये तीनों ध्यान रखना है इसके अंदर। और अब हम पढ़ेंगे NO2 स्ट्रक्चर, मैं इसको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड है ये, जब हम ये एक तो मैंने बता दिया जिंक या कॉपर को कंसनट्रेटेड NO3 में ट्रीट करेंगे तो ये मिल जाता है NO2 गैस, वो बता दी प्रिपरेशन, दूसरा हैवी मेटल्स के नाइट्रेट्स को जब भी हीट करेंगे, हैवी मेटल्स के नाइट्रेट को हीट करेंगे जब, जैसे PbA NO3 होल्टोइस, हैवी मेटल का नाइट्रेट है, इसको हीट किया, ऑक्सीजन की तरफ एफिनिटी रहेगी इसकी, तो 2NO2 प्लस O2, ये येलो सॉलिड होता है, ये येलो सॉलिड है जिसको लिथार्ज भी कहते हैं, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और प्लस O2, दो गैसेज मिल रही हैं NO2 और O2, येलो सॉलिड मिलता है PbO, ऐसे ही अगर मैं इसको हीट करता हूँ, सपोज AgNO3 को हीट किया तो Ag मिल जाएगा सॉलिड फॉर्म में प्लस NO2, क्योंकि Ag की कोई एफिनिटी नहीं होती ऑक्सीजन की तरफ, इसलिए अकेले एग्जिस्ट करेगा ये,
प्लस ओ टू, और ये क्वेश्चन इस पे क्या आता है, हाउ AgNO3 प्रोड्यूसेस ब्लैक स्टेन्स ऑन द स्किन, तो बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द सिल्वर, ये ब्लैक स्टेन्स दे देगा स्किन के ऊपर, ब्लैक स्टेन्स है AgNO3 की वजह से। तो कोई भी जैसे AgNO3 होल्ड वाइस अगर होगा, इसको हीट कर देंगे तो मरकरी के साथ भी नहीं रह सकता, ऑक्सीजन कम एफिनिटी होती है ऑक्सीजन की तरफ, तो Hg सॉलिड, Hg लिक्विड फॉर्म में होता है मरकरी, प्लस NO2 प्लस O2, तो इस तरह से एग्जिस्ट कर सकते हैं, हैवी मेटल के नाइट्रेट को हीट करेंगे। एक NO में एक चीज़ और कर सकते हैं, अगर करना चाहें तो N2 प्लस O2, ये रिएक्शन कभी होगी नहीं वैसे, नॉर्मल प्लेटिनम डाला मैंने इसके अंदर, या इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिक आर्क करंट पास किया, बहुत हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन होती है वाली, क्योंकि यहाँ पे क्या N ट्रिपल बॉन्ड है, बॉन्ड डिफ्यूजन एनर्जी वेरी हाई, इट इज़ इनर्ट, बॉन्ड डिफ्यूजन एनर्जी वेरी हाई, O डबल बॉन्ड O, बॉन्ड डिफ्यूजन एनर्जी वेरी हाई, तो ये दोनों कंबाइन कर ही नहीं सकते, नॉर्मल कंडीशन में नो रिएक्शन, अदरवाइज ये बनता है तो 2NO, ये बर्कलैंड आई प्रोसेस है, एंट्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, NCERT में नहीं दे रखा है, बर्कलैंड आई प्रोसेस ध्यान रखते ध्यान कर लेंगे। और ये नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन नहीं होती, जब लाइटनिंग वगैरह होती है ना, बिजली वगैरह कड़कती है, तो उस इंस्टेंट पे N2 और O2 कंबाइन करते हैं और बनता है NO, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, नहीं तो टेम्परेचर में तो दोनों एटमॉस्फेयर में दोनों गैसेस प्रेजेंट है, N2 भी प्रेजेंट है, O2 भी प्रेजेंट है, तो ये तो कभी, ये तो अलग अलग एग्जिस्ट करते हैं ना, नहीं तो ये तो हमेशा कंबाइन कर जाएंगे, और हम लोग तो ब्रीथिंग के लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो हम तो कुछ और गैसेस क्या कर रहे होते हैं, फील कर रहे होते हैं या ब्रीथ कर रहे होते हैं, तो इसलिए ये दोनों कंबाइन नहीं करते। ये कब कंबाइन करते हैं, ओनली अंडर वेरी हाई टेम्परेचर, सही ना, तो इसीलिए क्वेश्चन भी आता है रिलेटेड, लिटिल बिट ऑफ लाइटनिंग इज हेल्पफुल फॉर द फार्मर्स, क्योंकि ये फर्टिलाइजर वगैरह बनाता है आगे जाकर, तो इतना सफिशिएंट है। NO2 हो गया, यहाँ पे नेक्स्ट मूव करेंगे आगे, अब आ गया N2O5 N2O5 N2O5, तो इसमें N2O5 मैंने पहले भी प्रिपरेशन बता दी है दो बार इसकी, HNO3 में है, HNO3 में P2O5 डाल दो या P4O10 डाल दो, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, क्या बना देगा N2O5 प्लस HPO3 मेटाफॉस्फोरिक एसिड, मेटाफॉस्फोरिक एसिड डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, ये बन जाएगा। तो ये N2O5 की प्रिपरेशन है, स्ट्रक्चर मैं इसका ऑलरेडी बता चुका हूँ, सही ना, ऐसे एक होता है NO, NO न्यूट्रल है, N2O न्यूट्रल है, बाकी सारे क्या है एसिडिक, ऐसे Bi2O5 नाइट्रोजन के लिए क्या आता है Bi2O5, ये क्या होगा मेटल का ऑक्साइड बेसिक, सही ना, तो ये इस चीज को ध्यान रखना है। As4O6 है, ये क्या होगा एम्फोटेरिक, आर्सेनिक है ना मेटलॉइड, एम्फोटेरिक, इस तरीके से मेटल का नीचे जाएंगे तो मेटल आएगा, मेटल का ऑक्साइड क्या होता है बेसिक होता है, तो सारी टर्म्स ध्यान रखनी है। नेक्स्ट कौन करेंगे आगे, ऑक्सो एसिड थोड़ा बहुत देख लेते जल्दी से, नेक्स्ट टाइम ही करेंगे इसको, नहीं तो भी हो नहीं पाएगा ये। ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, क्लियर, ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस एक बार नोट कर लेंगे, जितना हो सकता है वो देखेंगे एक बार। ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस, तो स्टार्ट जैसे अगर करें हम इसे, तो हमें H3PO2 की बात करनी चाहिए, H3PO2 से स्टार्ट करेंगे, H3PO2 नाम क्या है इसका, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस, इनकी बहुत डिटेल है ध्यान रखना इस चीज़ का, अभी तो सिर्फ बोर्ड के लिए हम कर रहे हैं, तो इसलिए मैं बहुत सफी बहुत ही जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वो पार्ट बताऊंगा NCERT वाला। H3PO2, H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड, क्लियर, इट इज़ हाइपोफॉस्फोरस एसिड, स्ट्रक्चर इसका PHH OH डबल बॉन्ड O, तो एक तो ये सबसे पहली बात कि O के साथ एक ही एच अटैच्ड है, देयरफॉर इट इज मोनोप्रोटिक और मोनोबेसिक। क्वेश्चन आता है व्हाई इट इज मोनोप्रोटिक मोनोबेसिक, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओनली वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ध्यान रखना ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओनली वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप इट इज मोनोप्रोटिक और मोनोबेसिक, एक ही टाइप की सॉल्ट बनाएगा ये, एच अटैच का एनए आ गया तो है, बन गया ना NaH2PO2, जिसको क्या बोलते हैं सोडियम हाइपोफॉस्फाइड, क्या बोलते हैं सोडियम हाइपोफॉस्फाइड, किसी भी सॉल्ट के किसी भी एसिड के आगे अगर अस लिखा है लास्ट में, हाइपोफॉस्फोरस है ना अस, हाइपोफॉस्फोरस अस वाला एसिड है तो आइट लगता है सॉल्ट के आगे, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड, और एक वाले एसिड के आगे एट लगता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे, इसके छोटी क्लासेज में पढ़ा होगा अस वाला एसिड है तो आइट लगेगा और एक वाला एसिड है तो एट लगेगा, इस चीज़ को ध्यान रखना इसके अंदर। तो H3PO2 आ गया, H3PO2 और ये इसके अंदर पी एच बॉन्ड है, बिकॉज ऑफ पी एच बॉन्ड, बिकॉज ऑफ एलिमेंट हाइड्रोजन बॉन्ड,
ई एच बॉन्ड, यहाँ पर इम्पोर्टेंस ये, इट इज रिड्यूसिंग, इट इज रिड्यूसिंग इन नेचर. एलिमेंट हाइड्रोजन बॉन्ड है इसके अंदर, तो ये रिड्यूसिंग नेचर का होता है. एलिमेंट हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से इट इज रिड्यूसिंग इन नेचर, सही ना. प्रिपरेशन इसकी ये बताई हुई मैंने पहले, वाइट फॉस्फोरस में अगर अल्कली डाल देंगे, ये पहले भी किया हुआ है, इसमें अल्कली डाल दिया तो मिल जाएगा H3PO2. एक्चुअली मिलता क्या है, NaH2PO2 बताया था पीछे, वाइट फॉस्फोरस अल्कली PH3+NaH2PO2, तो वो हम ऐसे डालते थे थोड़ा बहुत, जिसकी वजह से H3PO2 मिल जाता. तो प्रिपरेशन इसकी है, NCERT में दे रखा है, ये रटने वाला पार्ट है सारा, तो उसको याद करेंगे. स्ट्रक्चर मैंने बता दिया, दो क्वेश्चन बता दिए, वाइट इज मोनोक्रोटिक और मोनोबेसिक, दूसरा वाइट इज रिड्यूसिंग इन नेचर. रिड्यूसिंग नेचर क्यों है, क्योंकि उसके अंदर दो पीएच बॉन्ड है, इसको फॉस्फिनिक एसिड भी कहते हैं, सही ना, ध्यान रखना चाहिए. बहुत लिमिटेड अमाउंट बता रहा हूँ मैं इसका, नहीं तो डिटेल है इनकी भी, जितना बताया उतना सफिशेंट ही करना है. नेक्स्ट नोट करेंगे, H3PO2 था ये. नेक्स्ट हमने किया जैसे H3PO3 मैंने बता दिया इसका, जैसे P2O3 है ना, जैसे N2O3 से बन सकता है, P2O3 था, P2O3 से बना सकते हैं, अगर इसमें क्या डाल दें, वाटर डाल दें, P2O3 और PO4, ये मैंने बताया हो ना पहले, इसमें क्या डाल दिया, वाटर, तो बन जाएगा H3PO3 स्ट्रक्चर्स का, ये रहा OH OH H, तो ये क्या है, डाइप्रोटिक और डाइबेसिक, और रिड्यूसिंग ये भी होगा, रिड्यूसिंग क्यों है, एक पीएच बॉन्ड इसके अंदर, पीएच बॉन्ड है सो रिड्यूसिंग, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ पीएच बॉन्ड, और ये कम रिड्यूसिंग होगा किससे, H3PO2 से, उससे कम रिड्यूसिंग क्यों है, क्योंकि इसके अंदर एक पीएच बॉन्ड है, उसमें दो पीएच बॉन्ड थे, क्लियर. क्वेश्चन आ सकता है इसके अंदर कि टू एग्जाम्पल्स, NCERT का क्वेश्चन है, टू एग्जाम्पल्स टू शो रिड्यूसिंग बिहेवियर ऑफ H3PO2, दो एग्जाम्पल देनी है टू शो रिड्यूसिंग बिहेवियर ऑफ H3PO2. तो ये नोट कर लेंगे, AgNO3 है जैसे, इसमें डाल दिया H3PO2, तो क्या बन जाएगा, Ag+H3PO4, Ag+AgNO3 रिड्यूस हो गया Ag में, और H3PO4 ऑक्सीडाइज हो गया किसमें, H3PO4 में, और साथ में HNO3 वगैरह गैस वगैरह मिल जाती है इसमें. तो ये ध्यान रखना, इसके इंपॉर्टेंट चीज़ें बताइए, ये एग्जांपल है, सही ना. तो ये एग्जांपल ध्यान रखनी है इसके अंदर, और एक एग्जांपल दे दी, एक एग्जांपल और दे सकते हैं इसके अंदर, एक एग्जांपल और, ये ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, बेंजीन डाइजोन क्लोराइड है, CCH5N2Cl, इसमें डाल दें H3PO2 Cu+ के अंदर, तो मिल जाता बेंजीन प्लस H3PO4, तो ये भी एक रिएक्शन है टू शो रिड्यूसिंग बिहेवियर ऑफ H3PO2, सही ना. तो एग्जांपल्स टू शो रिड्यूसिंग बिहेवियर ऑफ H3PO2, तो हमने H3PO2 पढ़ लिया और H3PO3 पढ़ लिया. H3PO3 डाइबेसिक या डाइप्रोटिक है, क्योंकि इसके अंदर दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट है, ऐसी H3PO4 है, H3PO4 स्टडी करा, ये है फॉस्फोरिक एसिड या ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, इसमें तीन OH आ जाएंगे, दिस इज ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है, सही ना. इसमें ये ट्राइप्रोटिक या ट्राइबेसिक है, और नॉन रिड्यूसिंग होगा, ये ट्राइप्रोटिक और ट्राइबेसिक, एंड इट इज नॉन रिड्यूसिंग. प्रिपरेशन इसकी मैंने बताई हुई है, प्रिपरेशन कैसे थी इसकी, P4O10 है, इसमें हमने H2 डाल दिया, तो बन जाएगा H3PO4, है ना, या PC5 में H2 डाल दिया, उससे ही बन जाता है H3PO4, तो ये ट्राइप्रोटिक है, क्लियर, इट इज ट्राइप्रोटिक. और अगर दो मॉलिक्यूल ले लें इसके और इसको हीट कर दें, एक H3PO4 ये रहा, दूसरा H3PO4 ले लिया और उसको हीट कर दिया साथ में इसके, P OH 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 हीट कर दिया, H3PO4 बाहर निकल गया हीट करने पर, तो बन जाता है H4P2O7. और दो मॉलिक्यूल ले लें अगर हम इसके मोनो वाले, हीट करके वाटर बाहर निकाल रहे हैं, तो एक नाम यूज होगा पायरो मीन्स रिमूवल, है ना, हीट करके, तो पायरो मीन्स हीट, पायरो फॉस्फोरिक एसिड. स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, बीच में एक ओ लगा देंगे, इन दोनों को हटा करके बीच में एक ओ लगा देंगे, मैं यहीं दिखा रहा हूँ एक बार,
पी ओ ओ डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ और चार ओ एच, इसलिए टेट्रा प्रोटिक होगा या टेट्रा बेसिक होगा, टेट्रा प्रोटिक और टेट्रा बेसिक नॉन रिड्यूसिंग होगा, नॉन रिड्यूसिंग, क्लियर। तो ये एच फोर पी टू ओ सेवन आ जाएगा, सही ना, पायरो फॉस्फोरिक एसिड, नाम याद रखना जरूर उसका, पायरो फॉस्फोरिक एसिड एच फोर पी टू ओ सेवन। और अगर मैं बोलूं इसमें से एक ऑक्सीजन बाहर निकाल देते हैं, पायरो में से एक ऑक्सीजन बाहर निकलता है, एक ऑक्सीजन इसमें बाहर निकलेगा माइनस ओ, तो हाइपो वर्ड यूज होता है, पायरो में से एक ऑक्सीजन निकलेगा तो हाइपो, तो बन जाएगा एच फोर पी टू ओ सिक्स, ये हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, डाइफॉस्फोरिक एसिड भी कह सकते हैं इसको, हाइपोफॉस्फोरिक। जब इसमें से ऑक्सीजन बाहर निकलेगा एच फोर पी टू सिक्स बन जाएगा, ये डायरेक्ट जोड़ देंगे इसको, ये बन गया, ये क्या है, टेट्रा बेसिक है, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। और इसकी प्रिपरेशन मैं पहले करा चुका हूँ, रेड फॉस्फोरस में जब एल्किली डाला था, रेड फॉस्फोरस में एल्किली डाला था तो बनेगा, एक्चुअली बनेगा क्या, एन ए फोर पी टू ओ सिक्स, उसमें एच प्लस डाल देंगे तो बन जाएगा उसे क्या, एच फोर पी टू ओ सिक्स, ये है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड या डाइफॉस्फोरिक एसिड, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड या डाइफॉस्फोरिक एसिड। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे, फिर है एच थ्री पी टू ओ फाइव, है ना, एच एच थ्री पी ओ थ्री होता है ना, एच ओ एच ओ एच एच, इसमें से वाटर बनने वाले पायरोफॉस्फोरस एसिड, है ना, ओ एच ओ एच एच, ये एच थ्री पी ओ थ्री है ना, एच थ्री पी ओ थ्री है, इसको हीटिंग करके नहीं बनाते क्योंकि हीटिंग करके बनाएंगे जो भी बनेगा वो आगे डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है, इसलिए इसको हीटिंग करके नहीं बनाएंगे एच फोर पी टू फाइव को, वाटर बाहर निकाला तो ये बन गया पी डबल बॉन्ड ओ एच ओ एच, ये रिड्यूसिंग है, इट विल बी रिड्यूसिंग क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट हाइड्रोजन बॉन्ड आ रहा है, तो ये रिड्यूसिंग होगा, एलिमेंट हाइड्रोजन बॉन्ड आ रहा है, तो ये ऑक्सो एसिड है एच फोर पी टू ओ फाइव, सही ना, एच फोर पी टू फाइव, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पायरोफॉस्फोरस एसिड, दो मॉलिक्यूल में से वाटर बाहर निकाला है तो पायरोफॉस्फोरस एसिड था ना, वो पायरोफॉस्फोरस एसिड, क्लियर, पायरोफॉस्फोरस एसिड, इसका नाम है पायरोफॉस्फोरस एसिड। तो यहाँ पी सी एल थ्री में एच थ्री पी ओ थ्री डालते हैं तो बनता है ये एच फोर, ये क्या करता है एक्चुअल में, इसके वाटर को बाहर निकालता है, और वाटर जब इसके पास आएगा पी सी एल थ्री के पास, एस थ्री पी ओ थ्री बनेगा, तो दो एस थ्री पी ओ फोर मिलकर, एस थ्री पी ओ थ्री मिलकर ये बना देंगे, एक्सेस में ले लेते हैं इसको एस थ्री पी ओ थ्री को, दो मॉलिक्यूल ले लिए इसके, समझे कि नहीं, तो ये कभी भी हीटिंग करके नहीं बनेगा, अगर हीटिंग करके बनता है ये तो ये आगे डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है एस थ्री पी ओ फोर वगैरह के अंदर, तो लोअर एसिड कभी भी बनेगा, लोअर एसिड कभी भी बनेगा हीट करने से वो डिस्प्रोपोर्शनेट हो सकता है आगे अपने हायर ऑक्साइड के अंदर, जैसे हमने पढ़ा था ना एस थ्री पी ओ थ्री को हीट करते हैं फॉस्फोरस एसिड को, तो क्या मिलता है एस थ्री पी ओ फोर प्लस पी एच थ्री, इसीलिए नहीं बनाते हैं, सही ना, हाइपोफॉस्फोरस एसिड होता या फॉस्फोरस एसिड होता तो उसको हीट करते हैं तो ये बन जाता है इसलिए। तो ये हमारा क्या था एच फोर पी टू ओ फाइव, एच फोर पी टू ओ फाइव, फिर है मेटाफॉस्फोरिक एसिड एच पी ओ थ्री, मेटाफॉस्फोरिक एसिड एच पी ओ थ्री, मेटाफॉस्फोरिक एसिड एच पी ओ थ्री, तो इसमें क्या होगा एच थ्री पी ओ थ्री था, इसमें से वाटर बाहर एच टू को बाहर निकाल देगा, सिर्फ एच टू बाहर निकालने का क्या यूज़ करना पड़ेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बी आर टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसका एच टू एक बाहर निकाल देगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है हाइड्रोजन को बाहर निकालता है, बाहर निकालेगा तो एच पी ओ थ्री प्लस टू एच बी आर मिल जाएगा, तो ये मिल गया एच पी ओ थ्री, स्ट्रक्चर बहुत सिंपल, ओ एच कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओ या डबल बॉन्ड ओ दिखा सकते हैं, डबल बॉन्ड ओ भी दिखा सकते हैं, तो एच पी ओ थ्री, दिस इज मेटाफॉस्फोरिक एसिड, मेटाफॉस्फोरिक, और इसके पॉलीमरिक फॉर्म में एच पी ओ थ्री होल एन भी एग्जिस्ट करता है, तो लीनियर लीनियर पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड नाम है इसका, लीनियर पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड, और एक ट्राई मेटा फॉस्फोरिक एसिड,
दोनों स्ट्रक्चर करने हैं इसके लीनियर वाले में, तो इस तरह से पीटल बॉन्ड ओ ओ एच ऑक्सीजन वाटर बाहर निकलते हैं बस ओ एच ऑक्सीजन इस तरह से ये इन्फ्राइट मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे इसे। दिस इज एच पी ओ थ्री होल एन, क्लियर, दिस इज एच पी ओ थ्री होल एन और साइक्लोट्राइमेटा फॉस्फोरिक एसिड मीन्स एच थ्री पी थ्री ओ नाइन ट्राइमर ऑफ एच पी ओ थ्री एच थ्री पी थ्री ओ नाइन तो पी ऑक्सीजन पी ऑक्सीजन पी ऑक्सीजन ये इस तरह से डबल बॉन्ड ओ ओ एच डबल बॉन्ड ओ ओ एच डबल बॉन्ड ओ ओ एच तो ये एच पी ओ थ्री होल थ्राइस है साइक्लोट्राइमेटा फॉस्फोरिक एसिड। तो ये इनके स्ट्रक्चर भी करने हैं, एन सी आर टी में दे रखे हैं। बस एक एच फोर पी टू ओ एट और देख लेंगे परऑक्सो है परऑक्साइड लिंकेज है। परऑक्सी डाइफॉस्फोरिक एसिड एच फोर पी टू ओ एट परऑक्साइड ओ एट कभी भी आएगा तो परऑक्साइड लिंकेज लगा देना बाकी सब सेम होगा एच फोर पी टू ओ एट मतलब एच फोर पी टू ओ सेवन बनाया था ना उसमें एक ओ ऐड कर देना बस। ये भी क्या हमारा ये भी क्या होगा टेट्रा बेसिक एच फोर पी टू ओ एट परऑक्साइड लिंकेज आएगी इसके अंदर बस। बस एक ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन और नोट कर लेंगे फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन।